तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडियन रेलवे सर्विस का सेकंड पार्ट। जिसने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने 10 टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ और टाइप्स के ट्रेन्स जो इंडियन रेलवेज में रन कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं। 11th है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान का मतलब होता है चलते रहना। ये ट्रेन 2016 में लॉन्च हुई थी और इसे उस वक्त सिर्फ हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा के बीच चलाया जाता था। फिर 2018 में इसे आगरा से झांसी तक एक्सटेंड किया गया। ये ट्रेन भी सेम डे पे दोनों तरफ की जर्नी कंप्लीट करती है और इसमें भी सिर्फ चेयर कार होते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और प्रेजेंटली इंडियन रेलवेज में सिर्फ एक ही गतिमान एक्सप्रेस है जो इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है। 12th है विवेक एक्सप्रेस। विवेक का मतलब होता है नॉलेज। इस ट्रेन को स्वामी विवेकानंद की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे 2013 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं जो 4 रूट्स पे चलती हैं। करेंटली इंडियन रेलवेज में 4 पेयर्स ऑफ विवेक एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन है और वर्ल्ड में 24th लॉन्गेस्ट है। 13th है राज्य रानी एक्सप्रेस। राज्य रानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है स्टेट की क्वीन। ये ट्रेन 2011 में लॉन्च हुई थी। ये ट्रेन स्टेट कैपिटल को बाकी सिटीज से कनेक्ट करती है, जिसका पर्पस या तो टूरिज्म होता है या फिर बिजनेस। ये ट्रेन एक स्टेट के अंदर ही अपनी पूरी जर्नी करती है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 10 पेयर्स ऑफ राज्य रानी एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें बेंगलोर मैसूर राज्य रानी एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी। 14th है जनसाधारण एक्सप्रेस। ये ट्रेन 2004 में लॉन्च हुई थी। इन ट्रेनों में सिर्फ अनरिजर्व्ड कोचेज ही होते हैं और इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रूट पे रन किया जाता है और इनके स्टॉपेजेस भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन से कम होते हैं। इन ट्रेनों का मकसद है कि कॉमन पीपल कम पैसों में लंबी जर्नी कर पाए और एक्सप्रेस ट्रेन जिनमें सिर्फ एक दो अनरिजर्व डब्बे होते हैं उतनी भीड़ का सामना ना करना पड़े। इन ट्रेनों की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 7 पेयर्स ऑफ जनसाधारण एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 15th है उदय एक्सप्रेस। उदय का मतलब होता है शाइन। ये ट्रेन 2018 में लॉन्च हुई थी। ये ट्रेन फुली एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन है, जिसमें सिर्फ चेयर कार्स हैं और स्लीपिंग अरेंजमेंट्स नहीं है। इन्हें स्पेशली बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया है जो बिजिएस्ट रूट्स पे चलेंगी। इसे शताब्दी की तरह ही चलाया जाता है, बट इसमें सीट्स शताब्दी से ज़्यादा होती हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 2 पेयर्स ऑफ उदय एक्सप्रेस है, जिसमें कोयम्बतूर बेंगलोर उदय एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी। 16th है अंत्योदया एक्सप्रेस। अंत्योदया का मतलब वीक सेक्शन को डेवलप करना होता है। ये ट्रेन 2017 में लॉन्च हुई थी। इनमें भी जनसाधारण की तरह सिर्फ अनरिजर्व कोचेज ही होते हैं। इन्हें ओवरनाइट एक्सप्रेस भी बोला जाता है। इन ट्रेनों को लॉन्ग डिस्टेंस और बिजिएस्ट रूट्स पे चलाया जाता है। इन ट्रेनों में भी बायो टॉयलेट्स और मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 16 पेयर्स ऑफ अंत्योदया एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें एर्नाकुलम हावड़ा अंत्योदया एक्सप्रेस सबसे पहली ट्रेन थी। 17th है महामना एक्सप्रेस। महामना का मतलब होता है ग्रेट हार्टेड। ये ट्रेन 2016 में लॉन्च हुई थी। इस ट्रेन को श्री मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया है, उनके ऑनर में स्टार्ट किया गया था। इन ट्रेनों को लॉन्ग डिस्टेंस रूट पे रन किया जाता है और इनमें बाकी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। करेंटली इंडियन रेलवेज में 6 पेयर्स ऑफ महामना एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी। 18th है सुविधा एक्सप्रेस। सुविधा का मतलब होता है सर्विस। ये ट्रेन 2013 में लॉन्च हुई थी। इन्हें प्रीमियम एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जिनमें एयरलाइंस की तरह डायनेमिक प्राइसिंग होती है और इन्हें मेल और सुपरफास्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इन ट्रेनों में किसी भी कोटा पे बुकिंग नहीं कर सकते और इन्हें भी लॉन्ग डिस्टेंस रूट पे रन किया जाता है। इन ट्रेनों को सिर्फ फेस्टिवल टाइम पे रन किया जाता है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 23 सुविधा स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जिसमें मुंबई दिल्ली एसी स्पेशल पहली ट्रेन थी। 19th है युवा एक्सप्रेस। युवा का मतलब होता है यंग। ये ट्रेन 2009 में लॉन्च हुई थी। इन्हें इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हमारे देश के यूथ कम पैसों में एयर कंडीशन कोच में ट्रैवल कर सके। इनमें 60% सीट्स स्टूडेंट्स के लिए, लो इनकम ग्रुप और 18 से 45 ईयर्स वालों के लिए रिजर्व होती है। करेंटली इंडियन रेलवेज में 2 पेयर्स ऑफ युवा एक्सप्रेस चल रही है। 20th है डबल डेकर एक्सप्रेस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी उदय एक्सप्रेस की तरह डबल है। इनमें भी एक कोच में ऊपर और नीचे बैठने की फैसिलिटीज़ हैं। इन्हें बाकी प्रीमियम ट्रेनों की तरह हाई प्रायोरिटी दी जाती है।
इन्हें शॉर्ट रूट पे ही रन किया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ शेयर कार फैसिलिटी ही होती है। मोस्टली लास्ट मोमेंट पे भी इनमें रिजर्वेशंस मिल जाती हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है और करेंटली इंडियन रेलवेज में 6 एसी और 2 नॉन एसी डबल डेकर एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें हावड़ा धनबाद एसी डबल डेकर पहली ट्रेन थी। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडियन रेलवेज का सेकेंड पार्ट। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने टाइप्स पता थे और कितने न्यू टाइप जानने को मिले। तब तक अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और बस ट्रेनों की जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।